नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा LLB तथा विधि डिप्लोमा परीक्षा 2021 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरवाए जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने नोटिस का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। 29/6/2021 नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन फील एग्ज़ाम फॉर्म ऑफ LLB एंड डिप्लोमा इन लॉ एग्ज़ाम 2021। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 29/6/2021 LLB तथा विधि डिप्लोमा परीक्षा 2021 की परीक्षा फॉर्म भरवाने संबंधी विज्ञप्ति। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक विधि महाविद्यालय अथवा विभाग में अध्ययनरत समस्त LLB फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तथा PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ, टैक्सेशन, क्रिमिनोलॉजी, इन्वायरमेंटल लॉ पाठ्यक्रमों के नियमित पूर्व में संबद्ध रहे जयपुर एवं दौसा जिलों के समस्त विधि महाविद्यालयों के छात्रों के LLB फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मुख्य परीक्षा 2021 के छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनके परीक्षा 2021 की परीक्षा फॉर्म वेबसाइट univiraj.org से भरने की तिथि 1/7/2021 से 10/7/2021 तक घोषित की जाती है। तो यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक विधि महाविद्यालय अथवा विभाग में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं LLB फर्स्ट ईयर, LLB सेकेंड ईयर, LLB थर्ड ईयर तथा PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ, टैक्सेशन, क्रिमिनोलॉजी, इन्वायरमेंटल लॉ पाठ्यक्रमों के नियमित पूर्व में संबद्ध रहे जयपुर एवं दौसा जिलों के समस्त विधि महाविद्यालयों के छात्रों LLB फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मुख्य परीक्षा 2021 के छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरवाने की तिथि 1/7/2021 से 10/7/2021 निर्धारित की गई है। दिए गए लिंक के माध्यम से वे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर पाएंगे। विधि पाठ्यक्रमों के पूर्व छात्रों एवं ड्यू बकाया पेपर्स परीक्षा 2021 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरवाने की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। तो हमें इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि विधि पाठ्यक्रमों के जो एक्स स्टूडेंट हैं एंड ड्यू बकाया जो पेपर्स हैं परीक्षा 2021 के जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म हैं वे भरवाए जाने के संबंध में अलग से जो नोटिफिकेशन है जारी किया जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट univiraj.ac.in पर अपलोड कर दी गई है। अब हम चर्चा करेंगे विस्तृत आवेदन के संदर्भ में। हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिए गए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पर हम और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर पाएंगे। LLB तथा विधि डिप्लोमा परीक्षा 2021 के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाने संबंधी दिशा निर्देश। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क एवं आवेदन पत्र। सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट univiraj.org पर संबंधित कक्षा की श्रेणी यथा नियमित या पूर्व छात्र का चयन कर अध्ययन किए गए विषयों का चयन करते हुए परीक्षा फॉर्म भरेंगे। फॉर्म ऑनलाइन पूर्ण भरने के पश्चात भरे गए फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा, केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा
परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षा फॉर्म का प्रिंट 2 प्रतियों में ले सकेंगे। शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मुखबधिर, स्थायी, आंशिक छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, जो कि राज्य के मेडिकल ऑफिसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क दे होगा। 2 प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी पर यथा स्थान हस्ताक्षर कर में आवश्यक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों एवं पूर्व में उत्तीर्ण अंक तालिकाओं आदि के साथ अगले 2 कार्य दिवसों में परीक्षा फॉर्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। इंटरनेट के माध्यम से प्रिंट की हुई अंक तालिकाएं मान्य नहीं होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया गया है, 2 प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी यथा स्थान हस्ताक्षर कर में आवश्यक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों एवं पूर्व में उत्तीर्ण अंक तालिकाओं आदि के साथ अगले 2 कार्य दिवसों में परीक्षा फॉर्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। इंटरनेट के माध्यम से प्रिंट की हुई अंक तालिकाएं मान्य नहीं होगी। परीक्षार्थी ध्यान रखें, यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपकी विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर प्रारंभ से नया परीक्षा फॉर्म भरें। परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें। अधिनियम 182 के अनुसार एक बार परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात शुल्क वापस नहीं होगा। विधि पाठ्यक्रमों के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार नियमित छात्र अथवा छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य निश्चित रूप से यह भी सुनिश्चित कर लें। अधिनियम 168A एवं बी के प्रावधानों के अनुसार छात्र 1 वर्ष में 2 डिग्रियों की परीक्षा नहीं दे सकते, अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएँ निरस्त करने का प्रावधान है। अधिनियम 169H के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने अथवा अंक तालिका जारी होने के पश्चात यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है तो परीक्षा परिणाम या अंक तालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है। विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 में प्रविष्ट हुए हो चुके छात्रों के परीक्षा फॉर्म पिछली कक्षा के रोल नंबर से ही भरे जा सकेंगे। इस फॉर्म की जांच कर लें। इस फॉर्म में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एवं घर के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो परीक्षार्थियों के लिए संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले फ्रेश परीक्षार्थी संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात जो आवेदन पत्र खुलता है उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर परीक्षा आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। ध्यान रहे अपना पिता व माता का नाम वहीं भरें जैसा कि बोर्ड या विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका में अंकित है। निम्न श्रेणी के परीक्षार्थी भी फ्रेश फॉर्म भरेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा 2020 में बैठे हैं परंतु यदि किसी कारणवश रोल नंबर से परीक्षा फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, UMRL घोषित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यदि किसी कारणवश अभी तक घोषित नहीं हुआ है अथवा डाटा अपडेट नहीं हो सका है तो ये फ्रेश फॉर्म भरेंगे। सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित स्थान अपना आधार नंबर अंकित करना होगा। संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित शैक्षणिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा। नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फॉर्म, आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालय जिसके भी नियमित परीक्षार्थी वहां पर जमा करवाएं। संबंधित महाविद्यालय नियमित परीक्षार्थी की परीक्षा फॉर्मों की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। फॉर्म में यदि कोई गलती हो तो दोनों प्रतियों में लाल स्याही से ठीक कर प्रमाण
सहित विश्वविद्यालय को अग्रेषित करे, अन्यथा किसी भी प्रकार की गलती होने पर ₹150 प्रति गलती संबंधित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अदा करना होगा। तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। परीक्षार्थी ध्यान रखे कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्मों पर विचार नहीं किया जाएगा, तो ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे। ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से उत्तीर्ण की है, वे अपनी अंक तालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें। जो छात्र पूर्व में ही विश्वविद्यालय में नामांकित है अर्थात स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका के सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र की सूचना उनके परीक्षा प्रवेश पत्र में उपलब्ध करवाई जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो यह स्पष्ट किया गया है। संबंधित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी का नामांकन हो गया है, उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन पत्र की संपूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरी जा चुकी हैं। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गए प्रश्न पत्रों के नाम, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि में नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात ही परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन पत्र की कंप्यूटर प्रति अलग रखें तथा हार्ड प्रति के साथ में आवश्यक अंक तालिकाएं आदि संलग्न हो, संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें। तो यहाँ महाविद्यालय के संबंध में जो जानकारी है उपलब्ध करवाई गई है। महाविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर पंजीयन तथा परीक्षा फॉर्म जमा कर अग्रेषित करने की प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी दी गई। नियमित एवं पूर्व छात्र परीक्षार्थियों के संदर्भ में यहां जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। अब बात करेंगे हम परीक्षा 2021 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क के संदर्भ में। नेम ऑफ एग्जाम, एग्जाम फीस 2020 से 2021 रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट। LLB फर्स्ट ईयर रेगुलर ₹1480 हैं, एक्स स्टूडेंट ₹1780। LLB सेकेंड ईयर में ₹1780 हैं और यहाँ ₹2000 एक्स स्टूडेंट। LLB थर्ड ईयर रेगुलर ₹1920, एक्स स्टूडेंट ₹2220। LLB ड्यू पेपर वन पेपर होने पर, चाहे रेगुलर हो चाहे एक्स स्टूडेंट हो, ₹750। दो पेपर होने की स्थिति में ₹1120 हैं एंड थ्री पेपर होने पर फुल एग्ज़ाम फीस क्लास वाइज होगी। वन ईयर PG डिप्लोमा इन लो में ₹2220 रेगुलर और एक्स स्टूडेंट ₹2640। फी फॉर फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए ₹600 रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट ₹680। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड जो वार्ड से उनके लिए रेगुलर ₹70 और एक्स स्टूडेंट ₹70। जो फीस का निर्धारण है यहाँ किया गया है। शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, बधिर, स्थायी या आंशिक छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो कि मेडिकल ऑफिसर से हस्ताक्षरित हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। तो इस तरह से हमने फीस के संदर्भ में और विस्तृत जो दिशा निर्देश हैं उनके संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस PDF फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी इस PDF फाइल को सेंड कर दिया गया है, वहां से भी आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, आवेदन करने की जो तिथियाँ हैं उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जो तिथियाँ हैं 1/7/2021 से 10/7/2021, और इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया। इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
उपलब्ध करा दिया गया है। और विधि पाठ्यक्रमों के पूर्व छात्र ड्यू जो बकाया पेपर्स परीक्षा 2021 के जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म है, इनकी तिथि बाद में अलग से घोषित की जाएगी। तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें। इसी के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के पश्चात ऑल पर क्लिक करें ताकि राजस्थान की समस्त यूनिवर्सिटीज़ एवं विभागों से संबंधित सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।